तो दोस्तों सितंबर महीने में सब्जियों की खेती करने वाले तमाम किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी दो सब्जियों की खेती के बारे में जिनकी खेती सितंबर महीने में, अगर आप बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं तो ये दो सब्जियां भी आपको जरूर लगानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सब्जियां हैं इस सीजन की। अगर आप इन दोनों सब्जियों को इस समय पे लगाते हैं तो आने वाले दिनों में काफी शानदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी इस समय पे लगाई जाने वाली सभी सब्जियों से सबसे ज्यादा आपको इनसे मिलेगा, यानी कि जबरदस्त उत्पादन ये दोनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। उत्पादन के मामले में सबसे आगे हैं ये दोनों सब्जियां। हार्वेस्टिंग करते करते थक जाओगे, इतना ज्यादा उत्पादन ये दोनों सब्जियां आपको देके जाएंगी और जबरदस्त मंडी भाव भी मिल जाएंगे। लाखों रुपए का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको लगाने पर देके जा सकते हैं। 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन दे जाएंगे आपको, अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और बताए गए तरीके से अगर आप ये सब्जियां बताए गए समय पे लगा लेंगे तो लाखों रुपए का प्रॉफिट आसानी से आप ले सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए, यानी कि कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको लगाना है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किस तरह से ज्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आप ले सकते हैं, पूरी जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आपके पास अगर कुछ जमीन खाली है या फिर आपका कोई प्लॉट खाली होने वाला है तो इस पूरे सितंबर महीने में आप गाजर की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई गाजर की फसल से कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर सितंबर महीने में आप गाजर की खेती करते हैं तो सितंबर में लगाई गई गाजर से भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। वैसे तो गाजर की जो खेती है वो अगस्त माह में इसकी सबसे अगेती खेती होती है और इसकी जो मध्यम बुआई होती है वो होती है सितंबर और अक्टूबर महीने में। तो अगर आप सितंबर और अक्टूबर महीने में बुआई करते हैं, मतलब कि बीच सीजन में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, तो सितंबर में आप जितना जल्दी इसको लगाएंगे उतने ही अच्छे आपको मंडी भाव मिलेंगे। यानी कि आप सितंबर के मध्य तक भी आप इसकी बुआई कर देंगे तो जबरदस्त मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो पछेती खेती होती है वो नवंबर माह में भी की जाती है, लेकिन सितंबर माह में लगाई गई गाजर के सबसे अच्छे मंडी रेट आपको मिल सकते हैं। अगस्त माह में जो गाजर लगाते हैं किसान भाई, उनके भी गाजर के जो मंडी भाव है काफी जोरदार मिल जाते हैं, लेकिन उस समय पर लगाई गई गाजर का उत्पादन जो है सितंबर माह में लगाई गई गाजर के मुकाबले कम होता है। अब अगर जो किसान भाई गाजर की बुआई करेंगे तो बीज की मात्रा भी आपको थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी, प्लांट भी आपके कम से कम खराब होंगे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, रोग बीमारियां भी काफी कम आपको देखने को मिलेंगी, इसके चलते उत्पादन आपको काफी शानदार मिल जाएगा, क्योंकि गाजर की जो साइज है कंद की वो काफी शानदार मिल जाएगी, लंबाई भी काफी अच्छी मिलेगी। इस वजह से भी गाजर की जो डिमांड रहेगी आपकी गाजर की, सितंबर माह में लगाई गई गाजर की जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी शानदार मिलेगी और खिंचाई भी काफ़ी शानदार होगी अब अगर आप गाजर की बुआई करते हैं। मंडी भावों की बात करें तो अब सितंबर के मध्य तक या लास्ट तक भी अगर आप लगाते हैं तो 20-25 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको इसके मिल जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि 15 रुपए के मंडी भाव भी आपको इसके मिल जाते हैं ना, तब भी लाखों रुपए की कमाई आप गाजर की फसल से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे अच्छा होता है। एक एकड़ में अगर आप गाजर की बुआई करते हैं तो लगभग 250 से 300 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिलता है। बाकी देखिए, उत्पादन जो है इसका वो गाजर की वैरायटियों पे भी डिपेंड करता है, आपके क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है और आपकी जमीन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी भूमि में और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए तो 250 से 300 क्विंटल तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसके चलते 2-2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अब लगाने पर भी गाजर आपको देके जा सकती है और इसमें जो खर्चा होता है वो बिल्कुल कम होता है, मतलब ना के बराबर इसमें खर्चा होता है। खर्चा क्या होगा? एक तो आपका बीज का खर्चा होगा और दूसरा आपका जो खर्चा होगा वो जमीन की तैयारियों का होगा, थोड़ा बहुत रासायनिक खाद उर्वरक मान लीजिए, गोबर की खाद वगैरह आपको इसमें ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो खर्चे होते हैं सब्जियों में, या तो देखिए प्लास्टिक मल्च का होता है, उसके बाद में 4-6 ट्राली अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद के डालते हैं तो एक ट्राली के अगर आप 2000 रुपए खाद की ट्राली के लेके चले तब भी 12 से 15 हजार रुपए आपके
आपके खाद का खर्चा हो जाता है। तो गाजर की फसल में भी आपको ज़्यादा खाद उर्वरकों की मतलब कि गोबर की खाद की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खास तौर से अगर आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद मैक्सिमम एक एकड़ में आप एक ट्राली डाल दीजिए, एक से डेढ़ ट्राली, इससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। या फिर पिछली सीजन में आपने सब्जियाँ लगाई हैं और उस सीजन में आपने अच्छी मात्रा में मतलब गोबर की खाद डाल दी है तो अब आपको गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं है। मतलब कम से कम आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गाजर की फसल में अगर आप मतलब गोबर की खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी जो है गाजर की वो थोड़ी सी डिफेक्ट हो जाती है। और दूसरा, इसमें जो व्हाइट रूट होती हैं, जो मूछें निकल आती हैं गाजर के चारों तरफ, जो रूट्स निकल आती हैं, वो समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और कई बार गोबर की खाद ज्यादा डालने की वजह से आपकी जो गाजर का कंद है वो दुमुही भी हो जाती है आपकी गाजर। तो मतलब कहने का मतलब है गोबर की खाद जो है वो आपको कम से कम इस्तेमाल करनी है, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा गोबर की खाद या कच्चा गोबर आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है इसमें। इस वजह से गोबर की खाद का आपका खर्चा बच जाता है। थोड़े बहुत रासायनिक खाद उर्वरक, रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या लेना है, आप 50 से 60 केजी डीएपी खाद ले लीजिए, 40 केजी म्यूरेटो पोटास ले लीजिए और 25 केजी यूरिया खाद ले लीजिए, ये आपको लेना है। बाकी फंगीसाइड लेना चाहे तो एक फंगीसाइड भी कार्बन डाइजिंग 50% आप ले सकते हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में गाजर के बीजों का छिड़काव विधि से डाल के सिंचाई कर सकते हैं। सिंपल सी विधि से आसानी से हर कोई किसान भाई इसकी खेती कर सकता है। मतलब नए किसान जो पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं वो गाजर की बुआई से शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़्यादा रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी, कोई ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह आपको नहीं करने पड़ेंगे, तो कम खर्चे में आप गाजर की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाजर की बुआई से पहले, आप में से इस बारे में काफी किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि सितंबर माह में गाजर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए और किस तरह से लगानी चाहिए। तो देखिए, बुआई से पहले सबसे पहले एक मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई आपको करनी है। गाजर लगा रहे हैं तो गहरी जुताई आपको करनी करनी है ताकि साइज जो है गाजर की वो आपको अच्छी मिल सके, उत्पादन आपका और बेहतर हो सके। तो एक मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर दीजिए, उसके बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं वो डाल दीजिए छिड़काव विधि से, उसके बाद में रोटावेटर चला के और जमीन को समतल और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लीजिए, क्योंकि अगर आप गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी के टीले भी निकल आएंगे, जमीन आपकी भुरभुरी नहीं होगी। तो रोटावेटर चला के मिट्टी को एकदम भुरभुरा और जमीन को एकदम समतल बना लीजिए, उसके बाद में गाजर के बीजों की बुआई करनी है, उसके बाद में सिंचाई करते रहना है। सिंचाई देखिए, गाजर की फसल में आप सितंबर माह में गाजर लगा रहे हैं तो काफी किसान भाई क्या करते हैं, गाजर की एक मुख्य जो सिंचाई होती है पहली बुआई के बाद में, वो अच्छी सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं, इंतजार करते हैं जर्मिनेशन का। देखिए, धूप वगैरह अगर ज्यादा निकल रही है, टेम्परेचर ज्यादा है और सितंबर माह में तो गाजर के लिए थोड़े टेम्परेचर ज्यादा ही रहते हैं, तो उस वजह से अगर आप सिंचाई को ध्यान नहीं रखेंगे तो मिट्टी अगर आपकी ऊपर से सूख जाती है तो हल्की हल्की सिंचाई आपको करते रहना है। फव्वारा इरिगेशन से कर रहे हैं तो फव्वारे आपको गाजर की प्लॉट के अंदर ही रखने हैं जब तक गाजर के बीजों का जमाव नहीं हो जाता है। मिट्टी अगर ऊपर से सूख जाती है, बीज हम कैसे डालते हैं, छिड़काव विधि से डालते हैं, बीज हमारा ऊपरी सतह पर रहता है, धूप निकलेगी, दो दिन में आपकी मिट्टी ऊपर से सूख जाती है, बीज को पर्याप्त नमी नहीं मिलेगी और अंकुरण जो है वो नहीं होगा, मतलब बीजों का जमाव नहीं होगा। फिर किसान भाई कमेंट करते हैं कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बीजों का जमाव नहीं हो रहा है। इस तरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाइयों की। तो क्या करना है, बीजों की बुआई करने के बाद में अच्छी तरह से आप सिंचाई कर दीजिए और उसके बाद में हल्की सिंचाई डेली आपको 10-15 मिनट तक करनी है, मतलब फव्वारा इरिगेशन से, या अगर कोई और साधन आपके पास सिंचाई के तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बेड बना के गाजर की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन से कर लीजिए, जो भी आपके सिंचाई के साधन है उनसे हल्की सिंचाई, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, जल भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हल्की सिंचाई, मतलब आपको सिर्फ नमी बना के रखनी है और जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद में अगली सिंचाई में आप गैप दें, मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए 6-7 दिन के अंतराल से गर्मियों में सिंचाई करते रहें, उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर थोड़े और डाउन आ जाए अक्टूबर के बाद में आप जो है 8-10 दिन के अंतराल से भी सिंचाई कर सकते हैं। और गाजर की फसल में उगने के बाद में सिंचाई आपको कम से कम करनी है, अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है। किसान भाई क्या करते हैं, गाजर में उगाई के बाद में भी मतलब जर्मिनेशन होने के बाद में भी मतलब फालतू की सिंचाई करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, गाजर का वनस्पति विकास बढ़ जाता है, कंद की साइज नहीं बढ़ पाती है, कंद की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, उसके बाद में बोलते हैं कि हमारे कंद की साइज नहीं बढ़ रही है, पालर जो होता है गाजर का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन कंद की साइज नहीं बन पाती है। उसका मुख्य कारण होता है या तो आप यूरिया डाल रहे हैं या आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। और सिंचाई भी आपको सीमित रखनी है, सीमित मतलब जब आप एक सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई आपको तब करनी है जब गाजर में आपको ऐसा लगे कि अब सिंचाई की जरूरत है, मतलब प्यास करने लगे गाजर
तब आपको सिंचाई करनी है, फालतू की सिंचाई नहीं करनी है। बाकी सब्जियों की तरह कि जैसे आज सिंचाई कर दी, तीन दिन बाद में फिर सिंचाई कर दी, पांच दिन बाद में फिर सिंचाई कर दी, इस तरीके से आपको सिंचाई नहीं करनी है। जब जरूरत हो तभी आपको सिंचाई करनी है, और जब गाजर थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मतलब महीने डेढ़ महीने की हो जाए, उसके बाद को बाद में तो आपको कम से कम सिंचाइयाँ करनी है। सिंचाई की कमी रहेगी, मतलब कमी रखेंगे आप सिंचाई की, तो गाजर का कंद है उसका साइज काफ़ी अच्छा जाएगा और नीचे जाएगा। नीचे जाएगा मतलब गाजर की लंबाई अच्छी आपको मिलेगी, और जिस गाजर की लंबाई अच्छी होती है, कंद की लंबाई अगर अच्छी होगी, तो मार्केट वैल्यू उसी गाजर की आपको ज़्यादा मिलेगी। ये आपको करना है, बीजों को डालने से पहले अच्छी तरह से रगड़ के हथेली से उसके बाद डालना है, मतलब ऊपर का जो छिलका होता है उसका जो एक्स्ट्रा कचरा होता है वो निकाल देना है। ऐसा भी अगर आप नहीं करेंगे तो इससे भी गाजर में व्हाइट रूट्स निकल आती हैं, जर्मिनेशन में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, जर्मिनेशन में समय भी लग जाता है और अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाता है। इस वजह से जब भी आप डाल रहे हैं, चाहे आप कोई भी वैरायटियां लें, सनग्रो की आप एक रेड कैरोट नाम से गाजर की वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी आप अपने नज़दीक के किसी किसान भाई से भी गाजर का बीज ले सकते हैं, या फिर देसी बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके एरिया में ज़्यादा वैरायटियाँ चलती हैं, जिस वैरायटी को आपके एरिया में किसान भाई ज़्यादा लगाते हैं, उन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिए। लेकिन जो भी वैरायटी आप ले रहे हैं, उन बीजों को अच्छी तरह से हथेली से रगड़कर और उसके बाद में जो कचरा होता है वो आपको हवा से निकाल देना है, उसके बाद में गाजर के बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से सावधानियां जो है ये आपको रखनी है, उसके बाद देखिए गाजर आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना, वो भी इस सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हो और अच्छी कमाई इस फसल से कर सकते हो, मतलब कि इस सितंबर महीने में आप मूली की खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हो। हालांकि मूली की खेती जो किसान भाई अगेती करते हैं, मंडी रेट सबसे ज़्यादा उनको मिलते हैं, लेकिन अगेती मूली में रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लांट काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है टेम्परेचर की वजह से, मूली की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, और बीज की जो लागत आती है आपकी वो भी काफ़ी ज़्यादा आती है। लेकिन सितंबर महीने में अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसमें। मंडी भाव की बात करें तो सितंबर माह में लगाई गई मूली के भी आपको लगभग 20 से 25 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। 15-20 रुपए के मंडी भाव तो आप लेके चल ही सकते हैं। उत्पादन इसका काफ़ी ज़ोरदार होने की वजह से 15 से 20 रुपए के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं मूली के, तब भी आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन सितंबर के मध्य तक अगर आप इसको लगा देंगे तो लगभग आप ये मानिए कि 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको आराम से इसके मिल जाएंगे, और इस समय पे लगाई गई मूली के जो उत्पादन की क्वालिटी होगी वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। मतलब मूली की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी अगेती मूली के बजाय। तो आप इस समय पे मूली की खेती भी कर सकते हैं और अच्छी कमाई इस फसल से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा भी काफ़ी कम है। जितना खर्चा आपका गाजर की खेती में हो रहा है उतने ही खर्चे में आप इस फसल को भी लगा सकते हो, मतलब काफ़ी कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हो। और दोस्तों मूली की फसल भी आपको सिर्फ 2 महीने में लगभग 250 से लेकर और 300 क्विंटल तक आपको उत्पादन देके जा सकती है, अगर आप अच्छी भूमि में और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। भूमि की बात करें कि मूली की फसल कौन सी भूमि में सबसे अच्छा उत्पादन देती है, तो भुरभुरी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के आसपास हो, ऐसी भूमि में अगर आप मूली की फसल करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है, अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं। बाकी मूली की फसल का उत्पादन भी ज़्यादा जो है वो आपके क्लाइमेट, भूमि और वैरायटियों पे डिपेंड करता है, लेकिन अमूमन 200-250 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल जाता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अच्छी वैरायटियों की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो सिजेंटा कंपनी की एक आइवरी व्हाइट वैरायटी आती है, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। हर एरिया में ये वैरायटी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, आपको इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए। मूली लगाने से पहले भी आपको एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। खाद उर्वरकों की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको इसमें भी अगर आप डालना चाहें तो 1 एकड़ में सिर्फ 1 ट्राली डाल सकते हैं, वो भी एकदम से सड़ी हुई गोबर की खाद। बाकी इसमें भी आपको जो है गोबर की खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाल देते हैं तो इसमें भी आपकी मूली की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है या प्रभावित हो सकती है। तो आप जो है इसमें रासायनिक खाद उर्वरकों का इस्तेमाल कर लीजिए, और गोबर की खाद चाहें तो आप एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 1 ट्राली या 1 से 1.5 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए, इससे ज़्यादा गोबर की खाद आपको नहीं डालनी है। बाकी रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो लगभग 50 kg इसमें भी आप DAP खाद ले लीजिए, 40 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, और 25 kg आप यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगिसाइड,
ये लेके और जमीन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। डीपली प्लोइंग आपने की है वो करने के बाद में ये रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए, उसके बाद में आप रोटावेटर करवा लीजिए ताकि जो मिट्टी के टीले निकल आते हैं गहरी जुताई से वो जमीन में मिक्स हो जाएंगे और जो आप खाद डाल रहे हैं वो भी अच्छे से जमीन में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में आप बीजों की बुआई करके और सिंचाई कर सकते हैं। मूली में आपको जर्मिनेशन होने के बाद में हल्की सी सिंचाई करनी है, और अगर जर्मिनेशन नहीं होता है मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं, मिट्टी ऊपर से सूख जाती है जल्दी जर्मिनेशन होने से पहले, तो हल्की सी सिंचाई आप कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और जल भराव जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और प्लॉट भी आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जिसमें बारिश की वजह से या सिंचाई करते समय जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। मूली की फसल में भी अगर बुआई के बाद में जल भराव जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो इससे भी आपके कंद की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मूली की क्वालिटी जितनी शानदार होगी मंडी प्राइस उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। तो जो किसान भाई इस समय पे इस सितंबर महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं वो इन दोनों सब्जियों की खेती इस समय पे कर सकते हैं। कम खर्चे वाली फसलें हैं और अच्छा उत्पादन देने वाली फसलें हैं, अच्छा मुनाफा आपको देके चली जाएंगी। इन दोनों सब्जियों को बताए गए समय के अनुसार अगर आप सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इसकी मूली की जो बुआई है वो भी आपको 15 सितंबर तक कर देनी है, 15 सितंबर से पहले पहले कर देंगे तो सबसे अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। इस समय पर लगाई गई मूली भी आपकी अगेती होगी, ज्यादा अगेती तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इस समय पर यानी कि पूरे सितंबर माह में भी अगर आप लगाते हैं तब भी अच्छे मंडी रेट ही आपको इसके मिल जाते हैं। बाकी 15-20 सितंबर तक लगा देंगे तो और भी अच्छे मंडी रेट आपको इसके मिल जाएंगे। बाकी इन दोनों सब्जियों की खेती करके अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।